Hey guys, what's up? Welcome back to another fresh video of Gadget Junction. आज हम बात करने वाले हैं Fire Stick पर apps को sideload करने के बारे में। I'm pretty sure आपने भी ये notice करा होगा कि Fire Stick पर apps को send करना इतना convenient नहीं है। कौन समय ना इसमें micro SD slot देखने के लिए मिलता है और ना ही USB slot। ऐसे में files को send करके Fire Stick पे install करना इतना easy नहीं रहता। तो ऐसे में आज हम एक workaround देखेंगे जिससे आप easy way में files को directly आपके Fire Stick पर install कर सकते हैं आपके phone के through। So without wasting much time, let's get started. So सबसे पहले हम सर्च करेंगे Send Files to TV ऐप को। यह ऐप आपको इजीली Fire Stick के ऐप स्टोर पर देखने के लिए मिल जाएगी। अब इस ऐप को हम सेलेक्ट करेंगे और डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे। एंड गाइज, वन मोर थिंग, मेक श्योर कि आपकी Fire Stick और आपका स्मार्टफोन सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड हो। जिस भी डिवाइस से आप फाइल को सेंड करना चाहते हैं फायर स्टिक पर, वो सेम वाईफाई नेटवर्क पे होना ज़रूरी है। इसके बाद हम फर्स्ट टाइम परमिशन एक्सेस को ग्रांट करेंगे। अब ग्रांट करने के बाद हम अपने स्मार्टफोन पर प्ले स्टोर पर जाकर सेंड फाइल्स टू टीवी ऐप को सर्च करेंगे। ये ऐप आपको ईजिली प्ले स्टोर पर इंस्टॉल करने के लिए मिल जाएगी। अब हम इंस्टॉल बटन टैप करके इसे इंस्टॉल करेंगे। अब इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद हम फर्स्ट टाइम ऐप में मीडिया स्टोरेज की परमिशन को ग्रांट करेंगे। इसके बाद हम फ़ोन से फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए सेंड ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अब जो भी फाइल आप आपके स्मार्टफोन से फायर स्टिक पर सेंड करना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट करेंगे। अब सिलेक्ट करने के बाद आप फायर स्टिक का IP एड्रेस देख सकते हैं। आपको आपके डिवाइस का नेम इधर विजिबल होगा। अब टैप करने के बाद फाइल इंस्टेंटली आपके फायर स्टिक पर ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाएगी। फाइल ट्रांसफ़र वाईफाई के थ्रू होता है, जिस वजह से ये काफ़ी क्विक और इंस्टेंटली आपकी फाइल्स को फायर स्टिक पर शेयर कर देता है। फायर स्टिक पर ऐप को शेयर करने के बाद हम होम स्क्रीन पर आकर फाइल एक्सप्लोरर ऐप को सर्च करेंगे। फाइल एक्सप्लोरर ऐप के थ्रू आपके फायर स्टिक का इंटरनल स्टोरेज एक्सेस कर सकते हैं, और साथ ही आप SD कार्ड या USB कनेक्ट करते हैं तो उन्हें भी आप इस फाइल एक्सप्लोरर ऐप के थ्रू एक्सेस कर पाएंगे। अब फाइल एक्सप्लोरर ऐप को फर्स्ट टाइम ओपन करने के बाद हम इसे मीडिया एक्सेस को ग्रांट कर देते हैं। इसके बाद आपको जो भी फाइल आप फायर स्टिक पर शेयर करेंगे वो आपको डाउनलोड फोल्डर में देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे कि अभी हमने एप्टॉइड TV की ऐप को शेयर करा था, तो हमें ये ऐप डाउनलोड फोल्डर में देखने के लिए मिल जाती है। अब इसे हम ओपन कर लेते हैं एंड इंस्टॉल ऐप का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं। अब फर्स्ट टाइम आपको फाइल एक्सप्लोरर ऐप को अननोन सोर्सेस को ग्रांट करना होगा। इसके लिए आप सेटिंग्स में जाके अननोन सोर्सेस पे फाइल एक्सप्लोरर ऐप पर ओके प्रेस कर सकते हैं। अननोन सोर्सेस से एक्सेस ग्रांट करने के बाद हम बैक आ जाते हैं एंड इंस्टॉल ऐप ऑप्शन को वापस से सिलेक्ट करते हैं एंड इसके बाद आप इंस्टॉल बटन प्रेस कर सकते हैं। अब आपकी ऐप फाइनली इंस्टॉल हो चुकी है। यदि आपने एप्टॉइड TV आपके फायर स्टिक पर इंस्टॉल नहीं करी है तो ये वन ऑफ द मस्ट ऐप है जो आप यूज़ कर सकते हैं फायर स्टिक पर। इस ऐप के थ्रू आप काफ़ी सारी ऐसी ऐप्स भी एक्सेस कर सकते हैं जो आपको फायर स्टिक ऐप स्टोर पर अवेलेबल नहीं है, तो डेफिनेटली आप इस ऐप स्टोर को ट्राई आउट कर सकते हैं। एंड अब आप देख सकते हैं आपको काफ़ी सारी ऐसी ऐप्स देखने के लिए मिल जाती है जो आपको डायरेक्टली आपके ऐप स्टोर पर अवेलेबल नहीं है। अब हम पीकॉक TV को इंस्टॉल करके देखते हैं। जो भी ऐप आप इंस्टॉल करना चाहते हैं उस ऐप पर आप इंस्टॉल बटन सेलेक्ट कर सकते हैं। अब फर्स्ट टाइम आपको एप्टॉइड TV को भी अननोन सोर्सेस का एक्सेस ग्रांट करना होगा। इसके लिए आप सेटिंग्स में जाएंगे, अननोन सोर्सेस में एप्टॉइड TV को ऑन कर देंगे एंड दैट्स इट। अब आप एप्टॉइड TV से कोई भी ऐप को ईजिली आपके TV पर इंस्टॉल कर सकते हैं। अब इंस्टॉलेशन होने के बाद आप पीकॉक TV या कोई भी ऐप को डायरेक्टली आपके TV पर एक्सेस कर पाएंगे। So pretty much that's it guys for this video. I hope ये video आपको पसंद आया होगा। इसके लिए यदि आपको कोई डाउट है या आपको इश्यू फेस करना पड़ता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं और टेक रिलेटेड और कंटेंट देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। So thanks for watching. See you in next one.